जो है एक चीज के मामले में बहुत ज्यादा बात होती है वो। चार दिन पहले हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई थी, शुगर करो अब भी नहीं खड़ाई हुई, नहीं तो टक। और वहां पे भैया भी आके गाड़ी धोने गए थे। जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको शायद से नहीं पता होगा कि कल रात को हम गए थे जगराते में, तो आज सुबह मेरे में उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन हिम्मत मार के थोड़ी बहुत एनर्जी इकट्ठा करके उठा। वॉक भी आज ज़्यादा नहीं कर पाया, सैर भी ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि रीज़न आप लोगों को पता ही है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी मैं मुँह धोया अच्छे से, उसके बावजूद मेरी आंखों में देखो कैसे नींद भरी पड़ी है, ये पानी पानी सा नहीं देख रहे, सिर्फ नींद है, आंसू नहीं है, नींद है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। 15 मिनट की सैर करी, इससे ज़्यादा करने की हिम्मत भी नहीं थी, अब मेरे को नींद आ रही है और मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा से जाके सो जाऊँ। चाहे तुम जितने मर्जी बलवान हो, जो मर्जी शरीर हो, लेकिन तुम कभी भी अपनी बॉडी को इग्नोर ना करो, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, मेरा तो यही फार्मूला है। हाँ, इस फॉर्मूले से एक बात है कि तुम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, जो भी है जैसे भी ठीक है। इससे ज़्यादा क्या कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, सुबह 5 बजे उठाए हो। हाँ, मेरे लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही है। आज पता नहीं क्यों लेकिन कबूतर और चिड़िया हैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं। चिड़ियों का खाना वहाँ पे है और कबूतर का वहाँ पे है, लेकिन फिर भी अभी मैं बाहर आया तो देखा चूचू की आवाज़ें आ रही थी, तो मेरे को लगा कोई प्रेडेटर होएगा, लेकिन मेरे को कोई दिख भी नहीं रहा। प्रेडेटर एज सच कोई चील या कोई बिल्ली, जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना तभी ऐसी आवाज़ निकालती है, लेकिन मेरे को तो वहाँ पे दिख रहा है एक ईगल टाइप सा कुछ, पता नहीं वो भी ईगल है या पिजन है। ईगल है, अच्छा, तो इसी से डर रहे हैं ये। एक और आ गया देखो, और ईगल ही है ये, इसके विंग से ही पता लग रहा है, बार बार इधर ही गोल गोल घूम ही जा रहा है। मिशन सक्सेसफुल, चिड़िया और कबूतर अब दोनों ही आराम से दाना खा रहे हैं, बाज भी उड़ के चला गया है। वह तो मेरे हिसाब से उसने किसी चिड़िया को पकड़ा नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अब उड़ के चला गया, कहीं और देख लेगा वो शिकार। अगर ये हमारी बाउंड्री में है, चिड़िया हमारी बाउंड्री में, तो हमारी जिम्मेदारी अभी, हाँ, उन पर कोई भी अटैक ना करें, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। इट्स लाइक गेस्ट, अगर तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो तुम उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हो, वैसे इनका भी सेम हिसाब किताब है। इन दोनों खाखरों से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, चीज़ वालों से और गोलगप्पे वालों से। इन्होंने हमारी उम्मीदों पे इतना गंदा पानी फेरा कि हमें जीरा वाला खोलने का मन ही नहीं करा। हमने सोचा इतने बढ़िया फ्लेवर होते हैं चीज़ और गोलगप्पे, अगर ये दोनों इतने अच्छे निकले तो जीरा तो फिर भी सो सो फ्लेवर होता है। सॉरी टू ऑल द जीरा लवर्स, तो हमारा मन ही नहीं करा ये खोलने का। बाय द वे, हमारे पास एक गिलास, 4 इकट्ठा हो गए हैं, 2 और फिर पूरा सेट बन जाएगा हमारे पास। फिर हमको धो के अच्छे से साफ करके बेचेंगे। थ्री इन द आफ्टरनून, बिल्कुल भी सो नहीं पाया, जैसी सोने की तैयारी करी लाइट चली गई, एसी भी नहीं चल रहा और पंखा भी बड़ी अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो बैटरी है वो चेंज हो गई थी, तो उस करके अब शायद से हमारा पंखा 10-12 घंटे निकाल ले शायद से, क्योंकि मम्मी पापा और दीदी तो घर पे है नहीं, कला मैं ही हूँ, और मेरा भी प्लान सोने का था तभी मैंने कहा, नहीं तो अदरवाइज मैंने भी जाना ही था। देखते हैं अब कब तक आती है लाइट, कब तक नहीं आती। आफ्टर द लॉन्गेस्ट आवर ऑफ माई लाइफ आई गई फाइनली, नाउ आई कैन जस्ट स्लीप इन पीस। वाइल आई वॉज एडिटिंग टूडेज वीडियो आई नोटिस समथिंग कि मेरे व्लॉग में जो है एक चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा बात होती है, वो है सोना।
देखो आई लव टू स्लीप, और कपल ऑफ मंथ से तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। और मैं व्लॉग में भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ ये। देखो व्लॉग का मतलब होता है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, जो मैं कर रहा हूँ जो जेन्युइन फीलिंग है वही एक्सप्रेस करूंगा। कोई मैं हाइपर एक्टिव हो के कोई तुम्हें दुद दुद नहीं करूंगा, या कोई अपने मम्मी पापा पे फालतू का प्रैंक नहीं करूंगा। मेरी और मेरे मम्मी पापा की, मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, लेकिन तब भी आई रिस्पेक्ट देम, और मैं उनको इस चीज़ में लाना भी नहीं चाहता। देखो सीधी सादी सी बात है, देखो यार कॉन्टेंट के लिए तुम तो कॉन्टेंट के भूखे हो जाते हो, लेकिन फिर मीम्स ही बनते हैं, सीधी सादी सी बात है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। अब शाम के 5 बज चुके, इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है। मानता हूँ छोटी बनी है, लेकिन जैसी भी बनी है मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करी है। तो अब इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई जर्नी, एक नए एडवेंचर, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।